वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर माई बॉडी और इस चैप्टर में हम लोगों ने अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को पढ़ लिया था और वेरियस ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ना स्केलेटल सिस्टम के बारे में ठीक है और इफ़ यू आर समवन जो पार्ट वन वीडियो नहीं देखे तो आपको पार्ट वन वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का तो आप पहले जाकर वो पार्ट वन वीडियो देखो और फिर आप पार्ट टू से कंटिन्यू करना आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी और जो बच्चे पार्ट वन देख लिए हैं तो आप हाँ, हम लोग शुरू करते हैं पार्ट टू का स्केलेटल सिस्टम से पढ़ना स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम सुनने में कैसा लग रहा है आपको इस्केलेटल का मतलब ही होता है कंकाल जो खोपड़ी और आप ये राइट ये राइट साइड वाला फिगर देखो जो स्कल है रीप केज है बैक बोन है जॉइंट्स है तो ये सभी जो हैं ये कंकाल हैं ठीक है तो हमारे बॉडी का सबसे भीतर का जो पार्ट होता है वो ऐसा ही दिखता है तो स्केलेटल सिस्टम द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन्स का बना हुआ होता है इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी और ये हमारे बॉडी को शेप देता है और स्ट्रक्चर देता है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी और ये जो बोन्स है ना वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उससे प्रोटेक्ट करता है रिब केज एंड बैकबोन आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम तो स्कल यानी कि खोपड़ी रीब केज यानी कि एक हमारे हार्ट के ऊपर प्रोटेक्शन रहता है जो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है उसे कहते हैं केज। तो रीब केज और बैक बोन आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम द स्कल इज मेड अप ऑफ फ्लैट बोन्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन और स्कल जो होता है वो भी बोन का बना हुआ होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है रीब केज इज़ लाइक अ केज ऑफ बोन्स केज का मतलब होता है पिंजड़ा तो रीब केज जो होता है वो एक बोन्स का पिंजरा की जैसा ही दिखता है इट प्रोटेक्ट्स द हर्ट एंड लंग्स और रिब कीज हमारे हर्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है द बैकबोन सपोर्ट्स आर बॉडी और बैकबोन जो है हमें खड़ा रहने में मदद करते हैं इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड और हमारे पीठ की तरफ एक स्पाइनल कॉर्ड होता है तो उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है कौन करता है बैकबोन ठीक है एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन एक जो आपके पापा के एज का या फिर आपके मम्मी के एज का जो लोग होते हैं ना तो उनके बॉडी में 206 बोन्स होता है द बोन्स आर जॉइंट एट डिफरेंट पॉइंट इन आर बॉडी दीज आर कॉल्ड जॉइंट्स दिस जॉइंट हेल्प इन द मूमेंट ऑफ द बॉडी और ये जो जॉइंट होता है जैसे कि आपका घुटना हुआ आपकी कलाई हुई आपका एंकल हुआ तो यहाँ पे क्या करता है ये सब जॉइंट्स हैं और ये जॉइंट्स की ही मदद से हम लोग चल पाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से स्केलेटल सिस्टम समझ में आ गया होगा है ना अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की ओर और, और उसका नाम है मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर मस्कुलर सुनने में ही लग रहा है ना कि ये मसल्स से रिलेटेड है जब आपको बोलता है कोई बॉडी दिखाने के लिए तो आप कैसे करते हो आप अपने बाजू को यूँ मोड़ के दिखाते हो ना देखो मेरा कितना बॉडी है जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है तो जो मसल्स होते हैं मसल्स का मतलब ही होता है गुद्दा ठीक है वहाँ पे बहुत सारा मांस होता है मसल्स में तो मसल्स मस्कुलर सिस्टम As the name suggests, the muscles from the muscular system. Mus muscles are attached to the bone that help in their movement. और muscles hote hain wo bones se juda hua hota hai There are more than 600 muscles in our body. और हमारे body में around 600 से भी ज़्यादा muscles होते हैं. Exercise makes our muscles strong. और जब आप regular exercise करते हो, जब आप regular खेलते हो खेलना मतलब मोबाइल में खेलना नहीं आउटडोर जैसे कि क्रिकेट बैडमिंटन खेलते हो ना तो आपका जो मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ठीक है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा गेम खेलते हो आप मोबाइल पे गेम खेलते हो या फिर आप घर के बाहर जाकर गेम खेलते हो कोई आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट बैडमिंटन या फिर वॉलीबॉल या फिर कुछ भी कोई सा भी गेम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मस्कुलर सिस्टम आपको समझ आ गया होगा आई होप सो अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या डाइजेस्ट का मतलब क्या डाइजेस्ट का मतलब होता है पचना जो आप खाना खाते हो ना तो वो खाना जो पचता है तो उस खाने को पचाने में कौन कौन सा ऑर्गन्स मदद करते हैं? तो उसी के बारे में डाइजेस्टि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे द डायजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज़ का बना हुआ होता है पहला है माउथ और माउथ में क्या क्या होता है माउथ का मतलब मुंह मुंह के अंदर क्या होता है मुंह के अंदर होता है टिथ मतलब कि दांत टंग मतलब कि जीव और सलाइवा सलाइवा का मतलब होता है थूक ठीक है लार तो पहला क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट वो होता है माउथ दूसरा होता है फूड पाइप तीसरा होता है स्टॉमक चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन फिर पाँचवा होता है लार्ज इंटेस्टाइन और छठा होता है एनस ठीक है तो इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड तो ये सभी चीज़ मिलके ये छह चीज़ मिलके हमारे खाने को बहुत अच्छे थी। थी। ना ना से पचा देते हैं दिस ऑर्गन हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स टू गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी तो हम जब रोटी खाते हैं तो रोटी को टुकड़ों में ही तोड़ देता है और फिर वो रोटी हमारे पेट में जाता है और पेट से ही वो हमारे पूरे बॉडी में जाता है द डाइजेशन प्रोसेस बिगेन्स इन द माउथ और डाइजेशन का जो ये प्रोसेस है ये माउथ से स्टार्ट हो जाता है द टीथ ब्रेक्स डाउन द फूड इन टू स्मॉलर पीसेज एज वी च्यू एंड सलाइवा स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन स्टार्ची फूड फिर जैसे ही हम लोग मुंह में कुछ डालते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है और वो पानी उस फूड को गला देता है फिर हम लोग दांत से उस फूड को पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं फिर हम उसे निगल लेते हैं दिस स्मॉल पीस ऑफ फूड रीच द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप और फिर जब हम उस फूड को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं तो वो फिर फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टॉमक में जाता है द डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्टोमक डाइजेस्ट द फूड फर्दर और फिर हमारे पेट में न बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स होते हैं जूस होते हैं जो कि उस खाने को गला देता है दे ब्रेक डाउन दे ब्रेक द फूड इंटू मोर सिंपलर फॉर्म्स और भी वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है पेट में फ्रॉम द स्टोमक द फूड रिचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर स्टोमक से खाना कहाँ जाता है खाना जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे पिक्चर में देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना क्वाइल के जैसा है ये हियर Here the food is further digested and nutrients present in the food are absorbed by the blood और फिर यहाँ पे small intestine में ही जो भी आप कुछ खाते हो तो आपके body में वो चीज़ चला जाता है तो आप जब अच्छा चीज़ खाते हो तो आपके body में अच्छा जाता है और आप बहुत खुश रहते हो और आपको अच्छा लगता है और जब आप कुछ गंदा चीज़ खाते हो बाहर का चीज़ खाते हो तो जब आप उसे खाते हो और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है तो आपको फिर जब वो कुछ बुरा चीज़ रहता है जैसे लाइक बर्गर पिज्ज़ा और एग रोल या फिर कुछ भी तो जब आप उसे खा लेते हो तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर बॉडी में फैल जाता है फैला देता है फिर आप बीमार पड़ जाते हो जब आप अच्छा खाओगे तो आप अच्छे से रहोगे और जब आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आपको बीमार हो जाएंगे आप ठीक है द लेफ्ट ओवर वेस्ट आफ्टर डाइजेशन इज़ कैरीड टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लेटर रिमूव थ्रू एनस और फिर जो खाना जो कि अनवॉन्टेड जो पार्ट है खाने का वो फिर रिमूव हो जाता है फिर आप सुबह में पॉटी करने जाते हो फिर आप जब पॉटी करते हो तो आपका पेट का जितना भी वेस्ट होता है वो सभी बाहर आ जाता है और आपको अच्छा महसूस होता है ठीक है तो आप एक हैबिट अगर आपका एक हैबिट है कि अगर आप सुबह में रोज़ पार्टी करने जाते हो तो वेरी गुड और अगर आप नहीं जाते हो तो आप रोज़ जाया करना तभी तो आपका पेट साफ़ रहेगा ना ठीक है और आप जो भी खाना खाओगे आप उसे बहुत अच्छे से चबा कर खाना ठीक है चलो अब हम लोग आगे बढ़ें नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि वेस्ट पार्ट जो जो वेस्ट जो बाहर आता है वो किसके किसके किस किस ऑर्गन्स के मदद से बाहर आता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है द एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी तो हम हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट होता है तो वो वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है यू जस्ट लर्न हाउ द लेफ्ट ओवर वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी अभी अभी आपने पढ़ा ना कि आपके बॉडी से कैसे बचा हुआ जो भी वेस्ट खाना है वो किस तरीके से बाहर आता है बिसाइड दिस द बॉडी रिलीज स्वेट यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट गैस आउट ऑफ द बॉडी तो एक एक तरीका तो आपने अभी पढ़ा ना आपने पढ़ा कि वेस्ट जो होते हैं वो बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। बट और भी बहुत बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो वेस्ट है हमारा वो बाहर निकलता है लाइक like स्वेट जो हमारा पसीना होता है ना तो पसीने के थ्रू भी जितने भी अंदर का टॉक्सिक चीज़ें टॉक्सिक मतलब जहरीली चीज़ें वो भी बाहर निकलता है यूरिन यूरिन मतलब सुसु ठीक है तो सुसु के थ्रू भी हमारे बॉडी का जो भी वेस्ट है तो वो बाहर निकल जाता है और एक बात बच्चों आप ध्यान रखना है कि अगर आपको सुसु आए तो आप उसे रोक कर मत रखना ठीक है आप सुसु जो वॉशरूम में जाकर अच्छे से कर देना और हाँ सुसु करने के बाद फ्लश जरूर करना ओके और क्या है तीसरा एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट गैस और ये वेस्ट गैस ठीक है आउट ऑफ द बॉडी द लंग्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड दैट कम्स आउट थ्रू द नोज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग सिस्टम में कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से निकालते हैं जब अपना सांस छोड़ते हैं तो स्किन रिलीजेस स्वेट एंड किडनी रिलीजेस यूरिन तो स्किन के थ्रू हम लोग का पसीना निकलता है और किडनी के किडनी के मदद से हम लोग का यूरिन निकलता है ठीक है सॉलिड वेस्ट फेसेस यानी कि पॉटी इज़ रिलीज्ड बाय द लार्ज इंस्टेस्टाइन दैट कम्स थ्रू द एनस और जो भी पॉटी है वो फिर निकल जाता है ओके okay? एक्सक्रेटरी सिस्टम के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ठीक है नर्वस सिस्टम द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स नर्व्स का मतलब होता है नर्वस ठीक है तो नर्वस सिस्टम किस किस चीज़ का बना हुआ होता है ब्रेन का और नर्व्स का द ब्रेन कंट्रोल ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इट सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स वी टेस्ट सी hear, smell, think, move, run, breathe, because of the nervous system. हम लोग नर्वस सिस्टम के हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग किसी चीज़ को टेस्ट का महसूस कर सकते हैं हम लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं हम लोग किसी चीज़ को सुन सकते हैं हम लोग किसी चीज़ को, लो को स्मेल कर सकते हैं हम लोग किसी चीज़ को सोच सकते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह रन कर सकते हैं हम लोग सांस ले सकते हैं किसकी मदद से नर्वस सिस्टम की मदद से ठीक है और हमारा लास्ट है सिस्टम वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग यंग वंस मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल गिव बर्थ टू यंग वंस इसमें आप लोग को ज्यादा नहीं जानना है इसके लिए आपको और जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप खुद जान जाओगे या फिर मेरे वीडियो के थ्रू जान लोगे ठीक है तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट आपको कैसा लगा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ठीक है मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो